हाँ तो बेटा लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन हेडिंग गैस लो पढ़ी था। कौन सा पढ़ा स्टार्ट किया था? गैस लो। और अपन पढ़ने वाले थे बॉइल्स लो, तो हेडिंग लगाओ बेटा बॉइल्स लो। अच्छी बात मत कर। थोड़ा बात करते हैं बॉयल्स लॉ की, कि भाई बॉयल्स लॉ क्या है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट ए कॉन्स्टेंट अमाउंट एंड ए टेम्परेचर, एट ए कॉन्स्टेंट अमाउंट एंड टेम्परेचर। आजा भाई बंद करके आजा उसे, क्लियर है। एट कॉन्स्टेंट अमाउंट है टेम्परेचर पे। अगर अपन बड़ा सिंपल सी कहानी, आपने एक चीज देखा होगा कि जब आप किसी बैलून को फुला के रखते हो, मतलब उसमें थोड़ी सी गैस भर दो और उस बैलून के आप यूं पकड़ो, साइड में से यूं खींचो, आप उसकी वॉल्यूम कम करो, क्या बैलून टाइट हो जाएगा? मतलब गैस का प्रेशर अंदर क्या हो जाएगा बेटा? हाई। आपने वॉल्यूम घटाई, प्रेशर बढ़ गया। आप उसी बैलून को मतलब उसके वॉल्यूम को बढ़ाओ तो क्या होगा बेटा? गैस का प्रेशर अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम। समझ में आ रहा है? बैलून को आधा थोड़ा सा गैस में भरो और यूं पकड़ लो और इधर से यूं खींचो उसे, तो अपने आप वॉल्यूम कम होगी, इधर छोटा सा होगा टाइट हो जाएगा, फिर से वापस इधर से रिलीज करो, वापस से वॉल्यूम बढ़ेगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टाइटनेस क्या हो जाएगी, खत्म। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बैलून है बेटा, जो गैस है उसमें, उसका जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है? वेरिएबल है। मतलब वॉल्यूम बढ़ाने में प्रेशर घट क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है, और वैल्यू में प्रेशर बढ़ता है। इसका मतलब प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो लिखो एट कॉन्स्टेंट, ये लिख लिया, एट कॉन्स्टेंट अमाउंट एंड ए टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ एनी गैस, प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। क्लियर है? थोड़ा मैथमेटिकली, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब प्रेशर इक्वल टू के अपॉन ए वी। प्रोपोर्शनल साइन रहने कोई कांस्टेंट आएगा तो हम क्या लिखेंगे? पीवी इक्वल टू बेटा कांस्टेंट। और बेटा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या आएगा? टेम्परेचर, मतलब पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। मतलब क्या हुआ कि सर अगर एक कंटेनर में गैस है जिसका प्रेशर पी वन है, वॉल्यूम है वी वन है, दूसरे कंटेनर में गैस है जिसका प्रेशर पी टू, वॉल्यूम है वी टू है, तो हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है। मल्टीप्लाई कांस्टेंट का मतलब पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। बंद करके आपसे ग्रामीण बोलो, कोई दिक्कत है आगे भाषण में? यहां तक कोई दिक्कत? श्योर? तो भाई पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। छापो से, बाकी को छापने दे। क्वेश्चन लिखो, लिखो बेटा, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इन ए बैलून, प्रेशर ऑफ गैस इन ए बैलून ऑफ 10 लीटर इज 2 atm, और 10 लीटर इज ए 2 atm। व्हाट विल बी वॉल्यूम, व्हाट विल बी वॉल्यूम इफ प्रेशर इंक्रीज्ड बाय 50%, इफ प्रेशर इंक्रीज्ड बाय 50%। ट्वेंटी बाई थ्री क्यों बेटा? हमें पता है प्रेशर पी वन कितना है बेटा? 2। वॉल्यूम वी वन कितना है? 10। प्रेशर पी टू हो गया था 50%, बढ़ा दिया तो 2 को 50% कितना हुआ? 3। वॉल्यूम वी टू हमसे पूछी गई है तो पी वन वी वन इक्वल टू, तो पी टू कितना आएगा बेटा? 20/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट फाइनल प्रेशर, फाइंड आउट फाइनल प्रेशर आफ्टर रिमूविंग ऑफ स्टॉपर,
चलो हाँ चलो जी स्पीडली, फाइव बाई थ्री। देखो बेटा प्रेशर पी वन कितना है, पांच। वॉल्यूम वी वन कितना आ रहा है, पांच। प्रेशर भी पांच, वॉल्यूम भी पांच। और फाइनल वॉल्यूम कितनी है बेटा, 15। क्योंकि जैसे आप स्टॉप हटाओगे तो 10 इसकी 5 इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी हो जानी है, 15। क्योंकि मिक्स हो गया तो फाइनल वॉल्यूम कितनी है बेटा, 15। और हमसे फाइनल प्रेशर पूछा है, क्लियर है? तो हम क्या लगा देंगे वापिस से, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। तो पी टू कितना आ जाएगा बेटा, 5/3। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट लिखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए गैस बैलून, वॉल्यूम ऑफ ए गैस बैलून, वॉल्यूम ऑफ ए गैस बैलून एट टू एटीएम प्रेशर, एट टू एटीएम प्रेशर इज 10 लीटर। एट टू एटीएम प्रेशर इज ए 10 लीटर। गैस स्टार्टेड लीकिंग, गेट स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम द बेलून, एंड वॉल्यूम रिड्यूस टू 5 लीटर, एंड वॉल्यूम रिड्यूस टू 5 लीटर। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस, व्हाट इज द फाइनल। तो बड़ा सिंपल सी कहानी है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बोयल्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। कैसे कह सकते हो कि इसमें बोयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो सर गैस का अमाउंट कांस्टेंट नहीं है क्योंकि लीक होने की वजह से गैस क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है, और गैस रिलीज हो रही है तो गैस का अमाउंट ही कांस्टेंट नहीं है, एक्सपेंड हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बैलून एक्सपेंड और क्या हो सकता है, कंप्रेस। अच्छा बैलून अंदर है, कैसे क्यों क्यों होगा भाई एक्सपेंड, तो मैं मुझे क्या पता वॉल्यूम क्या, मैं बैलून वॉल्यूम का बैलून बढ़ा सकता हूँ, मैं गैस का वॉल्यूम बढ़ गया। हाँ तो अमाउंट क्यों बढ़ेगा, जरूरी है क्या अमाउंट बढ़े, क्यों बढ़ेगा मुझे बता। मैं गैस को अंदर जोड़ी थोड़ी, मास से बढ़े, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने रहने में, मैं बैलून को साइज बढ़ा रहा हूँ जिस कंटेनर में, उस कंटेनर की साइज बढ़ा रहा हूँ तो गैस भी एक्सपेंड हो रही है। गैस क्या हो रही है, किसका किसका वॉल्यूम एक्सपेंड, कंटेनर का वॉल्यूम। हाँ किसका कर दिया वॉल्यूम, कंटेनर की वॉल्यूम होती है वही गैस की वॉल्यूम होती है, तो कंटेनर की वॉल्यूम बढ़ाई है, गैस की कोई वॉल्यूम होती नहीं है। कंटेनर की वॉल्यूम क्या होती है, गैस की वॉल्यूम। मैं तो कंटेनर की वॉल्यूम में तो बढ़ा सकता हूँ, अगर अमाउंट बढ़ा, कैसे बढ़ा चाहे घटा, अगर अमाउंट कांस्टेंट नहीं है तो बोल्स लॉ एप्लीकेबल ही। तो क्या लिखोगे, इन दिस क्वेश्चन अमाउंट इज ए वेरिएबल सो बोल्स लॉ इज ए नॉट वैलिड। नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इफ परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 25%। ट्वेंटी 25% दो केस है, क्यों
क्यों नहीं आएगा? किसमें? दोनों आए थे कुछ भी? आंसर याद कर रहे नहीं था ये दोनों थे। बड़ा ध्यान से कि पहला अगर केस लू मैं कि वॉल्यूम है मेरा 100 लीटर और प्रेशर P1 भी कितना 100 लीटर। अब पहला केस फर्स्ट क्या है बेटा कि वॉल्यूम मेरी इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, ये भी हो सकता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज क्यों, उसने कहा 25% चेंज है तो कहा नहीं कि डिक्रीज की इंक्रीज, तो बेटा इंक्रीज भी हो सकता है और क्या हो सकता है डिक्रीज। मैंने पहले मान लिया 25% क्या हो गया बेटा इंक्रीज, तो V2 कितना आएगा बेटा 125 ml, 100 का 25% 125 ml। तो आप क्या लिखोगे P1 V1 इक्वल टू P2, P1 कितना है 100, V1 कितना है 100, P2 कितना है बेटा पता करना है V2 125, 16 आउट करोगे तो P2 आएगा 80, कितना आएगा 80। तो चेंज कितने का आया बेटा 20% का, पहले 100 था 80 हो गए, तो चेंज कितने का हुआ 20 का, 100 पे कितना हुआ 20% का। हाँ जी पधारो। अगर मैं बात करूं केस सेकंड का कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम क्या हो गई डिक्रीज, चेंज बोला डिक्रीज भी हो सकती है, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी बेटा 75 ml। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 100 इंटू 100 इक्वल टू P2 इंटू 75 और यहां से आपका P2 आएगा 133। तो चेंज कितने का आया 33% का। तो हमें एक चीज तो पता है वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो मैंने देखा कि 25% वॉल्यूम घटाई तो प्रेशर में 25% का इंक्रीज नहीं हुआ, देख लो 33% का हुआ, और मैंने 25% वॉल्यूम बढ़ाई तो 33% प्रेशर नहीं घटा है 20% ही घटा है। तो मतलब इक्वली अमाउंट में, ना तो इक्वल अमाउंट बढ़ा ना इक्वल अमाउंट में घटा, पहले तो ना तो 25% का चेंज है, दूसरी बात ये नहीं कि ये 20% घटा तो ये भी 20% बढ़ेगा ना, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है बेटा इनवर्सली। तो ये याद रखना, कई बार क्या होता है अपन जोश जोश में गलती कराते हैं। क्लियर है? वो कहता है कि अगर 25% वॉल्यूम में चेंज आया तो प्रेशर में, अगर मैं 25% वॉल्यूम बढ़ाऊं या घटाऊं दोनों केस में वॉल्यूम में 33% का चेंज आएगा, नहीं दोनों केस में वॉल्यूम का 33% चेंज है, एक में बढ़ेगा और एक में 20% से घटेगा, इक्वल अमाउंट में बढ़ता नहीं इक्वल अमाउंट में घटता नहीं। क्लियर है? उतारो इसे। तीन चार पेज पूछ ले किसी से कितना करा है। क्वेश्चन लिखो, वॉल्यूम ऑफ गैस सिलेंडर कंटेनिंग 10 मार्बल एट 180 ml प्रेशर, एट 180 ml प्रेशर इज वन लीटर प्रेशर इंक्रीज्ड बाई 100%, वॉल्यूम बिकम 625 ml, वॉल्यूम बिकम 625 ml। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल, जितने मार्बल है उन सब की क्या निकालो बेटा वॉल्यूम निकालो।
देखो बड़ा ध्यान से, इतना सोचने का कुछ था ही नहीं कि अगर मैं कहूं यहाँ पे कंटेनर की इसका प्रेशर कितना दिया है बेटा, 180 atm। वॉल्यूम कितनी दी है बेटा इस कंटेनर का, वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना दिया है कि सर कंटेनर की वॉल्यूम 1 लीटर है, कितनी है बेटा 1 लीटर, और प्रेशर कितना दिया है बेटा 1 atm। क्लियर है? तो मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस पूछू मैं तो बेटा 1 लीटर में से मैं अगर तुम्हें एक और चीज एज्यूम कर लूं कि अपन ने एज्यूम कर लिया कि जो मार्बल है उसकी वॉल्यूम कितनी है बेटा, एज्यूम वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल कितनी है, एक्स कितनी मान लेते हैं बेटा एक्स, कि एक मार्बल की वॉल्यूम कितनी मान ले बेटा एक्स, एक मार्बल की वॉल्यूम अगर एक्स है तो 10 मार्बल की वॉल्यूम कितनी होगी 10x, और पूरे कंटेनर की वॉल्यूम 1 लीटर मतलब 1000 ml है, तो क्या कर देंगे 1000 - 10x, ये क्या आएगी बेटा गैस की वॉल्यूम। गैस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, यही तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। मैंने कहा एक मार्बल की वॉल्यूम एक्स है तो 10 मार्बल की वॉल्यूम 10x, कंटेनर की वॉल्यूम 1000 है, 1000 में से 10x कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, गैस की वॉल्यूम मिल जाएगी। इसी तरह से बेटा यहाँ पर उसने कहा प्रेशर को 100% इंक्रीज कर दिया, मतलब प्रेशर कितना हो गया 2 atm। अब वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करूं तो इस कंटेनर की वॉल्यूम अब कितनी होगी बेटा 625 ml, कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है 625 ml, तो कंटेनर की वॉल्यूम 625 है तो गैस की कितनी होगी 625 - 10x, मार्बल की वॉल्यूम में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो वॉल्यूम किसकी कम हुई है, गैस की, किसकी कम हुई है गैस की। अब कंटेनर की वॉल्यूम अगर 625 में तो उसमें से मार्बल की वॉल्यूम घटा दो क्या आ जाएगी बेटा, गैस की वॉल्यूम। तो अब आप क्या कर दोगे बेटा, P1V1 इक्वल टू तो 1 × 100 - 1000 - 10x इक्वल टू 2 × 625 - 10x, सोल्व आउट करो कितना आएगा 1000 - 10x इक्वल टू 1250 - 20x, तो इधर आएगा तो कितना बचेगा ये 10x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना आ गया 25 ml, मतलब एक मार्बल की वॉल्यूम कितनी है 25 ml। ठीक है, चलो जी, समझ में आया सबको, आगे चले। चले आगे, नहीं सर अब चले, चलो जी नेक्स्ट लिखो बेटा चार्ल्स लो। चार्ल्स लो क्या कहता है, एट कॉन्स्टेंट अमाउंट एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर
वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. कौन सा टेम्परेचर क्या बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है? केल्विन स्केल. केल्विन स्केल को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट. और केल्विन स्केल मिनिमम कितनी होती है? जीरो. और डिग्री स्केल मिनिमम कितनी होती है? -273. क्लियर है? तो लिखो, एट कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ गैस एंड प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ गैस एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? टेम्परेचर के. तो वॉल्यूम किसके इक्वल है बेटा? केटी के. वॉल्यूम किसके इक्वल है बेटा? केटी के. बोलो कोई दिक्कत है? तो हमें पता है बेटा, एक कंटेनर में अगर गैस है उसकी वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है, हमने इसको चेंज किया और वॉल्यूम V2 हो गई, टेम्परेचर है T2, तो V1 इक्वल टू KT1, V2 इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या आएगा? V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2. ये तो कांस्टेंट है बेटा. वो तुझे जब हम आइडियल गैस इक्वेशन जब तक नहीं बोलते तब तक उसकी वैल्यू, K की वैल्यू हमारे लिए कुछ भी नहीं है. आ रही बात समझ में? जब तक K की वैल्यू हम कब डिफाइन करेंगे? जब R आ जाएगा. P भी इक्वल टू R आने के बाद तो K कुछ है ही नहीं ना, R आ जाएगा अपने पास में. हम K की बात करेंगे ही क्यों? कब की K की बात? कब की है? हाँ तो वो ग्राफ बनाया तब है ना, ग्राफ अभी नहीं बनवाया ना. हाँ तो वो NRT से ही आएगा माता. हाँ तो मैं उसको लास्ट में भी करवा सकता हूँ ना, कि हर बार के बदलेगा, तो कंफ्यूजन कराने की जरूरत ही नहीं है. क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, गैस का अमाउंट का मतलब क्या? अमाउंट कांस्टेंट हो तो मोल भी कांस्टेंट रहेगा, वेट कांस्टेंट रहेगा तो मोल कांस्टेंट नहीं रहेगा क्या? वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है. हाँ पक्का. क्लियर है? चलो जी, यहां तक क्लियर हो रहा सबको? क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 20%. क्योंकि बेटा वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल है तो जितना चेंज आना है उतना ही किसमें आना है? वॉल्यूम में, टेम्परेचर. बराबर बराबर आना है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस 80 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ गैस 80 डिग्री सेल्सियस इज 20 लीटर. वॉल्यूम ऑफ गैस 80 डिग्री सेल्सियस इज 20 लीटर. व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर बोला ना 30 डिग्री सेल्सियस, उसको ऐसे छोटा लिख लेना ना, कंफ्यूजन ना हो. व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 25%. कैलकुलेट टी डिग्री सेल्सियस, ये वाला जो टेम्परेचर है ना, ये निकाल के दिखाऊं स्पीडली. हमें कहा गया है स्टार्ट, क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या कहा गया है बेटा? आपकी वॉल्यूम कितनी है बेटा? वॉल्यूम V1 है बेटा, 20 लीटर. कितना है? मैंने कहा टेम्परेचर T1 क्या होगा बेटा? T डिग्री सेल्सियस प्लस 273. क्लियर है? अब वो कहता है वॉल्यूम VT को कितना परसेंट बढ़ाया बेटा? 25%. तो 20 का 25% कितना होता है बेटा?
पांच, मतलब वॉल्यूम V2 कितनी होगी बेटा 25 लीटर। फाइनल टेम्परेचर T2, T1 प्लस 50 लिख सकता हूं क्या? T1 प्लस 50, क्यों? क्योंकि सर चाहे डिग्री में बढ़े चाहे केल्विन में बढ़े, दोनों स्केल में सेम बढ़ता है, मतलब डिफरेंस सेम होता है। मैं 27 से 28 डिग्री, 1 डिग्री का बड़ा डिग्री में, केल्विन में कितना बड़ा? 300 से 301, क्या केल्विन में भी 1 का बढ़ेगा और डिग्री में भी? अगर मेरे को 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, मतलब 50 केल्विन में बढ़ा, 50 से, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? सेम। तो अगर मैं इसको टी केल्विन है तो मैं इसको तो छोड़ दो, इसको तो मैं पूछ ही नहीं रहा। अगर टेम्परेचर स्टार्टिंग में T1 था तो T2 क्या कितना हो गया? T1 प्लस 50। अब मुझे पता है V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन V1 कितना है? 20 अपॉन 25। T1 कितना है बेटा? T1 तो T1, और T2 कितना? T1 प्लस 50। क्रॉस मल्टीप्ली ये कितना आ जाएगा आपका, इधर काट के 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4T1 प्लस 200 इक्वल टू 5T1। तो कितना हो जाएगा? T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 200 केल्विन। क्लियर है? अब T, हाँ कहाँ पे ये तो बड़ा, मतलब T1 है ना, T1 तो केल्विन में ही है, T1 तो केल्विन में ना, तो T1 में 50 बढ़ा दिया। तो T1 भी क्या है? T1 तो फिर T1 की वैल्यू थोड़ी रखी है मैंने यहाँ पे, T1 की वैल्यू तो है ना यार 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मैंने अभी तो ये तो समझाया, जब 50 डिग्री बोल चाहे 50 केल्विन बोल, एक ही इंक्रीज सेम होता है। इंक्रीज क्या होता है भाई? 27 से 28 डिग्री, 1 डिग्री बढ़ाया, केल्विन भी देख कितना बढ़ा, एक ही बढ़ा। तो मैंने कहा 50 डिग्री बढ़ा मतलब 50 केल्विन बढ़ा। तो अगर स्टार्टिंग में टेम्परेचर T1 केल्विन है तो फाइनल क्या होगा? T1 केल्विन प्लस 50। T1 की वैल्यू तो T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 मैंने पहले कह रखी है। अब मेरा जो आया वो T1 आया, मुझसे T1 ने नहीं पूछा है, मुझसे पूछा T डिग्री सेल्सियस, क्या पूछा है? तो 200 इक्वल टू क्या लिखूंगा? T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो T डिग्री सेल्सियस कितना आएगा? -73। मैंने कहा मना क्या आंसर के लिए, मैंने कहा था ऐसे -73 आंसर नहीं। माता यहाँ लिखा भी था, मैंने कहा ये निकालना है कहाँ 80 डिग्री। अरे टी डिग्री सेल्सियस बोला था मैंने, ये और लिखा भी था ये निकालना है, कहाँ ध्यान रहता है भाई। चल क्यों सर नहीं हुआ तो नए नए बहाने ढूंढ लिए। नेक्स्ट लिखो गायलो साकलो। लिखो बेटा फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस एंड ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? टेम्परेचर के। तो P इक्वल टू क्या आएगा बेटा? KT। तो एक कंटेनर में प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, दूसरे कंटेनर में प्रेशर P2, टेम्परेचर T2। तो क्या आएगा बेटा? P1 इक्वल टू KT1 और P2 इक्वल टू KT2। तो क्या जाएगा? P1 अपॉन ए अब क्वेश्चन लिखो। एक गैस सिलेंडर कैन विथस्टैंड, एक गैस सिलेंडर कैन विथस्टैंड मैक्सिमम प्रेशर इज 15 atm, इज 15 atm प्रेशर,
इंसर्ट प्रेशर इंसर्ट बाय द गैस इन द सिलेंडर एट 27 डिग्री सेल्सियस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 10 एटीएम दिस सिलेंडर कैच फायर दिस सिलेंडर कैच फायर दिस सिलेंडर कैच फायर predict the temperature at which cylinder burst predict the temperature at which cylinder burst 450 Kelvin answer it apda answer kya wo 300 jayega देखो भाई क्वेश्चन में प्रेशर हमें बताया कि जब गैस में सिलेंडर भरा गया तो प्रेशर P1 कितना था बेटा सिलेंडर में गैस भरी गई थी ये काम है तेरी बातें पकड़ने का पीछे बैठा कर ठीक है तो प्रेशर P1 कितना था बेटा 10 एटीएम और टेम्परेचर T1 कितना है बेटा 300 केल्विन अब उसने कहा कि सिलेंडर विद मतलब सिलेंडर मैक्सिमम प्रेशर सहन कर सकता है 15 एटीएम मतलब अगर आग पकड़ेगा तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा और कितना करेगा 15 एटीएम क्लियर है तो टेम्परेचर उस वक्त T2 कितना होगा तो अपन क्या कहेंगे P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन है P2 10 अपॉन है 15 300 अपॉन T2 तो T2 कितना आएगा बेटा 450 केल्विन सेकेंड पॉइंट लिखो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल ऑफ ए सिलेंडर इज 400 केल्विन इज 400 केल्विन देन प्रिडिक्ट देन प्रिडिक्ट सिलेंडर विल मेल्ट और ब्रस्ट Then predict cylinder will melt or burst. क्लियर है तो बड़ा सिंपल सी कहानी है कि अगर देखो हमें पता 450 पे जाके फटेगा और मैंने कहा कि उस सिलेंडर का मेल्टिंग पॉइंट 400 है उसके मटेरियल का तो उस वक्त वो पिघल जाएगा क्या हो जाएगा बेटा पिघल जाएगा तो ब्लास्ट नहीं होगा क्लियर है तो लिख देना सिलेंडर विल मेल्ट अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली गलत भी है क्योंकि बेटा सिलेंडर ने आग पकड़ी है तो गैस तो बाहर आ रही है तो उसी से तो आग पकड़ी होगी क्लियर है तो अमाउंट ऑफ गैस तो बदल रहा है ना तो लुसाक लो तो अपने लिए नहीं हुआ ना तो ये टेक्निकली वैसे क्वेश्चन है गलत है बस ये तो प्रेशर वॉल्यूम सिखाना था ठीक है तो टेक्निकली इन द सेंस कैसे गलत है क्योंकि आपको बताया नहीं गया ना कि गैस का अमाउंट तो कॉन्स्टेंट थोड़ी है भाई आग बाहर से तो उसने केरोसिन डाल के पकड़ नहीं रखी होगी गैस नहीं पकड़ रखी है और गैस ने पकड़ रखी तो अमाउंट है लेकिन क्या हो रहा है कि सिलेंडर में इतने ज्यादा फटाफट अमाउंट चेंज है नहीं हो रहा लेकिन टेक्निकली गलत है टेक्निकली गलत है अरे तो मतलब नहीं मानना था क्वेश्चन को नहीं करना मतलब ये क्वेश्चन टेक्निकली वैसे गलत है मैंने ये समझाया प्रैक्टिकली आपको ये बात नहीं अमाउंट बदल रहा है प्रैक्टिकली अमाउंट बदल रहा है ये क्वेश्चन मैंने बताया तुम्हें चलो जी तुम्हें तो पता भी नहीं चलना था मैंने बता दिया इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ टेक्निकली गलत था क्वेश्चन समझ में नहीं आता तेरे तकनीकी रूप से क्वेश्चन गलत है नेक्स्ट लिखो बेटा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस एवोगैड्रो हाइपोथेसिस देवड़ा एवोगैड्रो के हाइपोथेसिस क्या है कि अंडर सिमिलर कंडीशन अगर कंडीशन क्या रखी गई बेटा सिमिलर क्लियर है अंडर सिमिलर कंडीशन
अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर एंड टेम्परेचर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल, इक्वल नंबर ऑफ मोल मतलब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है मोल के, और वॉल्यूम किसके इक्वल है बेटा के एन के, कब जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो बेटा अब देखो बेटा ध्यान से, मैंने तीन गैस लिए बेटा, एक लिया बेटा N2, एक लिया O2, एक लिया ओजोन, मैंने कहा तीनों के मोल सेम है, क्या सेम है बेटा मोल सेम है, तो पक्का तीनों के मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, वन मोल मॉलिक्यूल, वन मोल है, वन मोल है, इनके मोल थे और इनके मॉलिक्यूल है, तो ये वन मोल मॉलिक्यूल होंगे, इसमें वन मोल मॉलिक्यूल होंगे, इसमें वन मोल है, वन मोल का मतलब वन एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, वन एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, वन एवोगैड्रो, लेकिन एटम सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो, जैसे इसके दो मोल एटम आएंगे, कितने आएंगे इसके दो मोल, तो देखो मोल सेम है तो मॉलिक्यूल भी एटम भी सेम आ गए थे, लेकिन देखो यहाँ तीन मोल, तो अगर किसी गैस के मोल सेम है तो उसके मॉलिक्यूल तो पक्का सेम होंगे, मॉलिक्यूल तो पक्का, लेकिन एटम सेम हो इसकी कोई गारंटी, डिपेंड करता है उसकी एटोमिसिटी पे, किस पे डिपेंड करता है, तो अगर मैंने कहा कि दो गैस उनकी वॉल्यूम सेम है तो उनके मोल भी क्या होंगे, उनके मॉलिक्यूल भी क्या होंगे सेम, लेकिन उनके एटम सेम हो कोई गारंटी, तो लिखो हाँ, तो जितने अगर मैं दो गैस लूं, इस गैस के अगर अरे माता सुन ले समझा रहा हूँ, सुना कर, मैंने कहा दो गैस है, इस सिलेंडर में एक गैस है जिसकी 5 लीटर वॉल्यूम है, तो उसके मोल अगर मैंने कहा 8 है, कितने है, तो अगर इसी में मैं दूसरी गैस लू जिसकी भी वॉल्यूम 5 लीटर, तो उसके भी 8 मोल होंगे, मैंने कब कहा मोल और वॉल्यूम बराबर है, हरी भाषा में इसलिए किसके कहने का मतलब था कि वॉल्यूम बराबर मोल है, मैंने ये थोड़ी बोला है, अगर एक गैस जिसकी वॉल्यूम 5 लीटर है अगर वो 8 मोल रखती है, तो दूसरी गैस जो सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर अगर 5 लीटर वॉल्यूम रखती है, तो उसके भी मोल कितने होंगे 8 होंगे, ये है इसका मतलब, ये था, मैंने नहीं कहा वॉल्यूम और मोल बराबर है, क्लियर है, देखो due to equal mole molecule will always equal, due to equal mole molecule will always equal, due to equal mole molecule will always equal, molecule क्या होंगे always equal, but atoms may be और may not be equal, atoms may be or may not be equal due to different atomicity. अब थोड़ा ध्यान से कि अगर मैं तुम्हें एक चीज कहूंगी बेटा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, क्या होते हैं बेटा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ V1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल इनटू 100, अब इसने कहा वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है मोल के, तो मतलब V1 इक्वल टू KN1, V टोटल इक्वल टू, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा N1 बाई N टोटल, यही आएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से, तो मुझे बताओ परसेंटेज बाई वॉल्यूम, ये तो क्या हो गया परसेंटेज बाई वॉल्यूम, और ये क्या हो गया परसेंटेज बाई मोल, भाई मोल का परसेंटेज ये है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ परसेंटेज बाई वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज बाई मोल, और इस टर्म का नाम क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन, सॉरी 100, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा मोल फ्रैक्शन इंटू, क्या चीज सबको समझ में आई,
परसेंटेज बाय वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज बाय मोल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना ठीक है। और ये किसके लिए बेटा, ओनली फॉर गैस, किसके लिए बेटा, ओनली फॉर गैस के लिए लगाना, कभी लिक्विड इक्विड के लिए कभी लगा दो ठीक है। कुछ नहीं लगाना लिक्विड के लिए, कुछ नहीं है। चले नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन लिखो कि आपके पास एक कंटेनर है बेटा, उसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन है, एक दूसरा कंटेनर है बेटा जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम SO3, क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम है SO3। तो आपको मुझे बताना है STP पर है, मतलब सॉरी इक्वल सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर क्या है सेम। तो आपको मुझे बताना है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ SO3, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ SO3, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेस देन वॉल्यूम ऑफ SO3, और फॉर नन ऑफ दीज क्या है बेटा, दो वाला। चलो कर लो फटाफट, में नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं इतने में। चलो देखो बेटा, यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें तो हमने मोल निकाले, तो इसका मोल कितना आएगा बेटा, 16/32.5 कितना आएगा, इसका 40/80 कितना है बेटा, तो हमें पता सेम मोल है तो वॉल्यूम भी क्या होगी सेम। यहाँ पे हमें इसके एक्स एटम दिए, ऑक्सीजन के एटम है, और मोल निकालने का तरीका क्या है बेटा, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। लेकिन आपको पता है वो, तो आपको अगर ऑक्सीजन के मोल निकालने तो ऑक्सीजन के क्या चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए। तो हमें पता है दो ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम कितने O2 बनाता है बेटा, एक O2। तो x ऑक्सीजन एटम कितने बनाएंगे बेटा, x बाय टू मॉलिक्यूलों पे O2, x बाई टू मोलिक्यूलों पे O2। इसी तरह से बेटा तीन ऑक्सीजन एटम कितने बनाते हैं बेटा, एक ओजोन मोलिक्यूल बनाते हैं। तो x ऑक्सीजन एटम कितने बनाएंगे बेटा, x बाई थ्री मोलिक्यूलों पे। तो यहां पे मोल क्या आएंगे बेटा, x बाई टू इंटू एन ए, और यहाँ मोल क्या आएंगे, x बाई एक्स अपॉन थ्री। बताओ किसके मोल ज्यादा है, ऑक्सीजन के मोल ज्यादा हुए, और जिसके मोल ज्यादा उसी की वॉल्यूम ज्यादा, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, वॉल्यूम ऑफ पे ओजोन।
चले आगे। नेक्स्ट दोबारा ध्यान से कि फिर से अपने पास एक कंटेनर है बेटा, दो ले रहे। इसमें 80 ग्राम क्या है बेटा आपके पास, CH4 क्या है बेटा, 80 ग्राम है CH4। और इसमें बेटा 220 ग्राम क्या है बेटा आपके पास में, CO2 8 STP 8 STP। तो बताओ बेटा वॉल्यूम ऑफ CH4 ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CH4 लेस देन वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CH4 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2, नन ऑफ दीज क्या होगा, बराबर होगी। दोनों का आपने क्या निकाल लिया बेटा, पहले वाले के मोल कितने आए बेटा, इसके 80/16 कितने मोल आए बेटा, 5 मोल। और इसके बेटा 220/44 कितने मोल आए बेटा, दोनों के मोल 5 है। इसका मतलब क्या है बेटा, दोनों की वॉल्यूम भी क्या होगी बेटा, सेम। क्लियर है आपको मोल कंसेप्ट में बेटा, एसटीपी ये बता दिए थे ना मैंने, एसटीपी एनटीपी एसएटीपी सारे बता दिए थे। क्लियर है, एसएटीपी सारे बता दिए थे ना, ऐसे एनटीपी नहीं बताया था क्या, एनटीपी की कितना वॉल्यूम होता है बताया था क्या, मोल कितने होते हैं, सारे से वापस लिखा देता हूँ। देखो ध्यान से, प्रेशर टेम्परेचर मोल ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस। क्लियर है, मोल ऑफ 1 मोल गैस। हाँ तो 1 मोल, मोल ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। सबसे पहले आता है जिसे हम ओल्ड एसटीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो अभी भी किताबों में एसटीपीसी को लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने तो बदल दी लेकिन अभी भी एसटीपीसी को बोलते रहते हैं। कंडीशन क्या होती है बेटा, प्रेशर होता है 1 atm, टेम्परेचर कितना होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है या 273 केल्विन। इस कंडीशन में 1 मोल गैस की वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर, 22 पॉइंट है। तो आपसे कभी भी देखो मॉड्यूल वोड्यूल में तो ठीक है, मॉड्यूल के बाद कहीं पर भी अगर आप एसटीपी देखो तो आप ये यूज नहीं करोगे मॉड्यूल के बाद, मतलब मॉड्यूल में तो ठीक है, मतलब आप एग्जाम में देखो तो आपका एसटीपी ये नहीं है, लेकिन मॉड्यूल वोड्यूल में यही एसटीपी दे रखा है तो इसको आप ये यूज करते रहो। क्लियर है, हाँ कंडीशन जैसे टेम्परेचर 0 प्रेशर 1 atm तब तो ये यूज करना। फिर आता है एसटीपी, प्रेशर आपका 1 bar, प्रेशर कितना 1 bar, टेम्परेचर वही आपका कितना 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वॉल्यूम कितनी 22.7 लीटर। फिर आता है एनटीपी, नेचुरल टेम्परेचर एंड, अब बहुत सारी जगह एसटीपी एनटीपी सेम दे रखे लेकिन दोनों सेम है नहीं है। प्रेशर होता है बेटा आपका 1 atm, कितना होता है 1 atm, टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस। और इसकी वॉल्यूम होती है बेटा आपकी 24.04। एक होता है बेटा एसटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपका टेम्परेचर तो वही है 1 atm होता है, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है, वॉल्यूम होती है 24.7 लीटर, कितनी होती है 24.7 लीटर। क्लियर है, 1 मोल की, तो 5 मोल की पूछे तो कैसे निकाल सकते हो, बोलो कोई दिक्कत है, बस यही है। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एसएटीपी लिखाएगा, तो टेंशन ले जाओ। क्लियर है सबको, अब कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एसटीपी एनटीपी सेम नहीं है ना। चलो जी नेक्स्ट लिखो बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सबसे पहले बात करते हैं बेटा, अपने को एक चीज सबको पता ही होनी चाहिए बेटा, ये आपको पता ही है y=mx अगर आप, कैसा होता है बेटा ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन, y=kx2 अगर आप, कैसा होता है, कौन सा बोला, पैराबोला। और y=2
के अपॉन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कौन सा बोला है? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? कैसे इसमें में कोई दिक्कत नहीं है? तो इनमें अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है तो सबको आते हैं ना, उतारने की जरूरत थोड़ी है इसमें। अब देखो अपन बात करते हैं बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ में P इक्वल टू क्या था बेटा? के अपॉन ए वी। तो अगर मैं इसमें ध्यान से कि मैं अगर प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम में ग्राफ बनाऊं, किसमें बनाऊं बेटा? प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम में। तो देखो बेटा प्रेशर किसमें लिया है मैंने? वाई एक्सिस पे। प्रेशर किसमें लिया है? वाई एक्सिस पे। वॉल्यूम किसमें लिया है? एक्स एक्सिस पे। तो जहां पी है वहां तो मैंने वाई लिख दिया, और के वॉल्यूम की जगह क्या लिखूंगा? एक्स। तो कैसा ग्राफ आया? हाइपरबोला। तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? हाइपरबोला। इसी तरह मैंने ग्राफ बनाया बेटा P वर्सेस 1 अपॉन V में। अब की बार प्रेशर कहां पर है बेटा? Y एक्सिस पर इक्वल टू K, और X एक्सिस पे V है कि 1 अपॉन V है? तो 1 अपॉन V की जगह क्या रखना है? X। तो Y इक्वल टू क्या आएगा? Kx। कैसी लाइन आएगी बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये काम आएंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो प्रेशर और वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ कैसा है? हाइपरबोला। और प्रेशर और 1 अपॉन V का ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाती हुई। अब देखो बड़ा ध्यान से कि अगर हमें ग्राफ में दे ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर है T3, P वर्सेज V, और हमसे कहा जाए क्या? सॉरी 1 बाई V। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि तीन अलग अलग आइसोथर्मल ग्राफ है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल ग्राफ। कौन से ग्राफ बोलते हैं बेटा? आइसोथर्मल ग्राफ है ये, ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि टेम्परेचर क्या था बेटा? कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ के ग्राफ है वो कैसे होते हैं? आइसोथर्मल ग्राफ। तो तीन अलग अलग आइसोथर्मल है, ये टी वन पे था, ये टी टू पे था, ये टी थ्री पे था। हमसे इनमें रिलेशन पूछता है, क्या पूछता है? आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रेट लाइन खींच देनी चाहिए। ऐसे खींचो चाहे कैसे खींचो, जब मैं ये लाइन खींचूंगा तो जो येलो वाली लाइन है ना, इस पूरी लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है। और प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर आप ध्यान से देखो वॉल्यूम वेरिएबल है, और जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है ना तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। यही तो लो पढ़ा था हमने, चार्ल्स लो। चार्ल्स ने क्या कहा था? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब वॉल्यूम बदलेगी तो टेम्परेचर बदलेगा, जहां वॉल्यूम ज्यादा वहीं टेम्परेचर ज्यादा। तो मुझे बताओ कि इन तीनों पॉइंट में से इस पॉइंट ए बी और सी में से किस पॉइंट पे वॉल्यूम ज्यादा है? ए पे, क्योंकि बेटा उधर 1 अपॉन वी बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम घट रही है। तो यहाँ पे 1 अपॉन वी छोटा है मतलब वॉल्यूम क्या है बेटा? ज्यादा। भाई ग्राफ 1 अपॉन वी का है ना, तो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब ए पॉइंट पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो ए पॉइंट पे सबसे ज्यादा है मतलब है इस पॉइंट की वॉल्यूम सबसे ज्यादा, मतलब वी ए ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन ए वी सी। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? टी वन ग्रेटर देन टी टू ग्रेटर देन ए टी थ्री। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अगर आप ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अगर आप वर्टिकल लाइन भी खींचते तो हमें कोई दिक्कत है नहीं है। अगर हमने ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींच दी और इन पॉइंट को हमने नाम दे दिया एक्स वाई और जेड, अगर इसमें ये कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, कौन सा कलर है? वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन में अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड में अगर मैं एक ध्यान से मुझे पता है इस पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब प्रेशर वेरिएबल है। और टेम्परेचर पे देखो वेरिएबल आ रहा है, एक पे टी वन, एक पे टी टू, एक पे ए, तो इसका मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। गाइलस लॉ अगला पढ़ा था हमने, और प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मतलब जहां प्रेशर ज्यादा वहीं टेम्परेचर ज्यादा। तो कौन सी जगह टेम्परेचर प्रेशर सबसे ज्यादा है? पी जेड सबसे ज्यादा है, फिर वी वाई, और फिर वी सॉरी पी एक्स, और पी वाई, फिर पी एक्स। क्या बोलो कोई दिक्कत है इसमें? और जहां पे प्रेशर ज्यादा वहीं टेम्परेचर ज्यादा। देखो प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पे? जेड वाले पे। तो टी वन ग्रेटर देन टी टू ग्रेटर देन किसी से कर लो, हमें कोई दिक्कत है नहीं है। आ रही बात समझ में? तो किसी एक से करना है, आपको दोनों में से जो पसंद आए उससे करो, अपने को क्या ही दिक्कत है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो बेटा ग्राफ अगर इस तरह से बना हुआ आ जाए, प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम, ये भी आइसोथर्म्स है,
ये किसी टेम्परेचर T1 पे, ये किसी टेम्परेचर T2 पे, और ये किसी टेम्परेचर है, तो आपसे वर्टिकल लाइन खींच लो चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। मैंने खींची वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन में यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो यही टेम्परेचर सबसे ज्यादा, मतलब T3 ग्रेटर देन है, T2 ग्रेटर देन है T1। और आप में से कोई कह नहीं सर मैं तो वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींचूंगा, तो देखो बेटा जहां पे वॉल्यूम ज्यादा वहीं पे टेम्परेचर ज्यादा। तो देखो वॉल्यूम अब की बार वाई एक्सिस एक्सिस वॉल्यूम है, तो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, ये टेम्परेचर है, यही आंसर आना। चले नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम चार्ल्स लो वाले बात करें, किसकी बात करें बेटा, चार्ल्स लो वाले की, तो चार्ल्स लो में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इसके ग्राफ क्या कहलाएंगे, आइसो बारिक, क्या कहलाएंगे बेटा, आइसो बारिक ग्राफ। अगर आइसो बारिक ग्राफ की बात करें तो वो फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल टू के टी, तो बेटा v इक्वल टू के टी अगर आप कैसे जाएगा बेटा, कि सर v कहां पर है, y एक्सिस पर, कहां पर है बेटा y एक्सिस पे, और x कहां पर है, t कहां पर है, x एक्सिस पे, तो ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में कैसा ग्राफ आएगा बेटा, ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपको तीन ग्राफ बना के दे दे इस तरह से, किसी प्रेशर P1, किसी प्रेशर P2, किसी प्रेशर है P3 पे, V वर्सेस T में, तो वापस वही बेटा वो P1, P2, P3 में क्या पूछेगा, रिलेशन। आप क्या करोगे, एक लाइन खींच दोगे, इस लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा वहीं प्रेशर है ज्यादा, तो देखो बेटा P3 ग्रेटर देन है, P2 ग्रेटर देन है P1। आप ये नहीं खींच के अगर आप कहते हो मैं तो सर वर्टिकल लाइन खींचूंगा इस तरह से, तो बेटा जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगी वहां प्रेशर क्या होगा बेटा, कम, क्योंकि बेटा अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें लाइन पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जहां वॉल्यूम ज्यादा वहां प्रेशर है कम, तो बेटा वॉल्यूम सबसे ज्यादा यहां पर है, इसका मतलब P1 सबसे छोटा, फिर P2, फिर P3, किसी से कर लो हमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो ध्यान से, अगर देखो V इक्वल टू KT है, अगर मैं इसमें ग्राफ में लॉग ले लूं, क्या ले लूं बेटा, लॉग, तो लॉग कैसा आएगा बेटा इसका, v इक्वल टू के टी है, तो क्या आएगा बेटा, log v इक्वल टू log k प्लस log t, और अब अगर मैं log v वर्सेस log t में ग्राफ बनाऊं तो कैसा आएगा बेटा, इंटरसेप्ट आएगा, log k क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट क्या नहीं है, स्लोप वन हो जाएगा ना अब भी नहीं है, क्लियर है। ध्यान रहे ग्राफ कौन से कहलाएंगे, आइसोबारिक, क्या कहलाएंगे, तेजी से लिखो, आगे चले। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, लोग भी वाला हो गया, नेक्स्ट बना बेटा लुसाक लो, कौन से बेटा, जो लुसाक लो है बेटा वो उसके उसमें वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट, तो इसके ग्राफ क्या कहलाएंगे, आइसोकोरिक ग्राफ, कैसे कहलाएंगे बेटा, आइसो, पी इक्वल टू क्या है बेटा KT, तो ग्राफ कैसा आएगा P वर्सेस T में, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाती हुई, इसके भी वापस वही तीन ग्राफ, P वर्सेस T, V1, V2 और V3 में क्या रिलेशन होगा बेटा, लाइन खींच दो जहां इस पे प्रेशर कांस्टेंट है, जहां टेम्परेचर ज्यादा वहीं वॉल्यूम है, V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन है V1, लॉग लेके लॉग में भी ग्राफ बना सकते हैं, छाप लो फिर फटाफट।
अपना देखो चार्ल्स लो का डिग्री सेल्सियस में भी एक तरीका होता है लिखने का ना, तो लिखो चार्ल्स लो इन द फॉर्म ऑफ, हाँ चार्ल्स लो इन द फॉर्म ऑफ डिग्री सेल्सियस। देखो बड़ा ध्यान से कि जो वी टी है बेटा वो इक्वल है वी नॉट वन प्लस टी अपॉन 273, टी अपॉन 273। V नॉट क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम। VT क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर, और T क्या है बेटा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। बस पूरी केमिस्ट्री में एक ही फॉर्मूला है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, किसमें बेटा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेना है, किसमें लेना है डिग्री सेल्सियस में। आ रही बात में, यहाँ जो टेम्परेचर यूज होना वो डिग्री सेल्सियस, इसके अलावा किसी में डिग्री सेल्सियस यूज है नहीं होना। वॉल्यूम का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री में रखना है, किसमें रखना है डिग्री में। अगर मैं तुम्हें कहूं कि टेम्परेचर अगर आपका -273 डिग्री सेल्सियस होगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी आएगी बेटा, जीरो। तो बेटा जब तक टेम्परेचर जीरो डिग्री नहीं हो, -273 मतलब जीरो केल्विन नहीं होता, तब तक किसी गैस की वॉल्यूम जीरो नहीं होती। हमारी पास में गैस की वॉल्यूम जीरो कब होती है बेटा, -273 या जीरो केल्विन पे। -273 रखेगी यहाँ पे, ये माइनस वन आएगा, वन माइनस वन कितना आएगा जीरो, तो किसी गैस की वॉल्यूम क्या आई बेटा जीरो। क्लियर है। तो अगर मैं तुम्हें ग्राफ बनाने को कहूं वी टी वर्सेस टी डिग्री सेल्सियस में, तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ऐसा आएगा। अगर आप देखो बेटा वी टी इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273 इंटू टी डिग्री सेल्सियस, तो वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, इसका इंटरसेप्ट कितना है बेटा वी नॉट, और स्लोप कितना है बेटा, तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना, स्लोप दे दे, कहते हैं ग्राफ बनाया गया वी नॉट और टी डिग्री सेल्सियस में, स्लोप दे दे और पूछ ले वी नॉट बताओ। हमारी बात में स्लोप देके क्या पूछ सकता है, वी नोट पूछ सकता है, इंटरसेप्ट देके वी नोट पूछ सकता है। ये वाला जब अगला डाटा इस तरह का दे, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे दे, और भले आपको एक तो जीरो डिग्री की वॉल्यूम गिवन हो, टेम्परेचर दे रखा हो टी डिग्री, और पूछ ले किसी और टेम्परेचर, मतलब उस टेम्परेचर पे वॉल्यूम पूछ ले। क्लियर है। यहाँ देख समझ में बेटा। नेक्स्ट लिखो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इन्हीं से मिलके बनी है। अब जब बेटा मैंने, जब हमने क्या पढ़ा था बेटा, बोयल्स लॉ पढ़ा था, तो बोयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था बेटा, बॉयल्स लॉ पे आपने कहा था एन और टी क्या होने चाहिए कांस्टेंट, ये मैंने पहले पढ़ा दिया, आर तो कांस्टेंट है, तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू क्या बोला था के, तो बेटा इस लॉ में के किसके इक्वल है, एन आर टी के किसके इक्वल है, यही चीज अब अपन ने चार्ल्स लॉ पढ़ा था बेटा, कौन सा लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ, उसमें बेटा क्या था बेटा, पीवी इक्वल टू, सॉरी वी इक्वल टू KT, क्या कांस्टेंट रखा था, P और A, N कांस्टेंट रखा था, तो इसका मतलब K क्या होना चाहिए, NR अपॉन T,
इसी तरह से बेटा हमने जो लुसाक लो पढ़ा था तो क्या कांस्टेंट था बेटा, वी और ए, एन क्या थे कांस्टेंट, क्या था पी इक्वल टू के टी, तो के क्या था यहाँ पे एन आर बाई वी। हर बार क्या है बेटा अलग अलग है। अब क्या होता है इस वाले ग्राफ में, जो ध्यान से इस वाले ग्राफ में ये जो के था ये स्लोप आता है बेटा, के तो होता है स्लोप, और जो के स्लोप है तो हमें स्लोप की वैल्यू दे दे और एन की वैल्यू दे दे तो बेटा टेम्परेचर निकाल सकते हो। इस वाले ग्राफ में स्लोप आया था के, v इक्वल टू के टी में स्लोप तो के ही है, तो हमें k की वैल्यू देके क्या पूछ सकता है p, n की वैल्यू दे देगा। दो मोल गैस के लिए v वर्सेस t में ग्राफ खींचा गया, स्लोप आया इतना तो प्रेशर कितना, सेम थिंग इसमें कह सकता है कि p वर्सेस t में ग्राफ खींचा गया, स्लोप आया 5, वॉल्यूम 2 मोल है तो वॉल्यूम बताओ। आगे समझ में, नेक्स्ट है बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ आर, सिग्निफिकेंस ऑफ आर, आर की यूनिट क्या है बेटा, एक यूनिट ये भी तो है ना, जूल पर केल्विन पर मोल। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की, एनर्जी की भी और वर्क की भी, तो आर क्या है बेटा वर्क डन, क्या है बेटा वर्क डन, क्लियर है, पर मोल पर केल्विन, क्लियर है। तो आर का मतलब क्या हो गया बेटा, वर्क डन बाय गैस पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट लिखो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म ऑफ डेंसिटी, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एमआरटी, तो पी एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए वी आर टी, तो पी एम इक्वल टू डी आर टी। डी क्या है बेटा डेंसिटी क्या है, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, डेंसिटी ध्यान रहे ग्राम पर लीटर में लेना, किसमें लेना, क्योंकि बेटा आर आपने 1/12 है एटीएम पर, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन ले हुए, ये इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी गलती होती है, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में चलती है, लीटर में लेना मतलब तुम्हारी गलती होगी ना, क्योंकि आप प्रेशर तो एटीएम में ले लोगे, आर भी 1/12 ले लोगे, पर डेंसिटी में मात खा जाओगे, क्योंकि हमने उससे फॉर्मूले में वी लीटर में ली थी, यहाँ वी किस में ली थी लीटर में, बाकी कोई क्वेश्चन में गलती नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CO2 गैस एट STP। Thank you.
हाँ भाई कैलकुलेट क्या करना है, इतना क्या सोच रहे हो? डेंसिटी देखो, पी डेंसिटी क्या होगा बेटा? पीएम अपॉन आरटी एसटीपी पे बेटा कितना होता है प्रेशर? वन बार मतलब 0.9 atm, 9878 atm मतलब 1 atm के अराउंड मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोलरिटी मोलर मास कितना है CO2 का? 44। आर कितना हो जाएगा? 1/12 है। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? एसटीपी पे कितना होता है? 273। सॉल्व आउट कर लोगे? क्वेश्चन लिखो, डेंसिटी ऑफ ए मिक्सर, डेंसिटी ऑफ ए मिक्सर ऑफ CO and CO2 एट 2 atm प्रेशर, CO and CO2 एट 2 atm ए प्रेशर एंड 127 डिग्री सेल्सियस इज 2 g/L, इस 2 g/L कैलकुलेट परसेंटेज सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द मिक्सर। आर की वैल्यू यूज करनी है बेटा 0.08, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब लिखा हुआ है तो वही यूज कर लो, 0.08। स्पीडली देखो, इस क्वेश्चन में इतना कुछ खास है नहीं कि तुम इतना तड़पो। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या है, हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? पीएम अपॉन आरटी, या फिर हम सीधा ही बोल दें कि एम इक्वल टू क्या आएगा बेटा? डी आर टी अपॉन ए पी। डेंसिटी कितनी दी है? 2, 1/12। टेम्परेचर कितना दिया है? 127 मतलब है 0.08। और प्रेशर कितना दिया है? 127 है ना, और प्रेशर कितना दिया है बेटा? 2 atm। सोल्व आउट करोगे तो कितना आएगा? 32। तो ये क्या आ गया? एम, जो एम आया ना बेटा ये एवरेज है। क्या है बेटा? एवरेज मोलर मास। क्या है बेटा? एवरेज मोलर मास। अब देखो बेटा, अब एवरेज मोलर मास आया तो टोटल मोल कितना मान लो? 100। ये मोल कंसेप्ट में सिखाया था, टोटल मोल कितना है? 100। सीओ का कितना मान लिया? एक्स। सीओ टू का कितना होगा? 100 - x। एम एवरेज क्या होता है बेटा? टोटल वेट डिवाइड बाई टोटल मोल, टोटल वेट डिवाइड बाई टोटल मोल, यही बताया था। CO का मोलर मास कितना होता है? 28। तो क्या लिखोगे? 28 × x। ये तो किसके आ गया? CO का वेट आ गया कि नहीं आ गया? वही एवरेज वाला फॉर्मूला है। और CO2 का मोलर मास कितना है? 44। तो क्या करेंगे? 44 × 100 - 100। एवरेज कितना दिया है? 32। तो या एवरेज किसे क्या रख देंगे? 32, 28 × x प्लस 100 - डिवाइड बाई 100। यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x, x से CO के क्या आ गए? मोल। टोटल 100 थे तो क्या हो जाएगा? CO का परसेंटेज, क्या हो जाएगा? CO का परसेंटेज। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो जी बाकी पढ़ेंगे कल।